हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज दोस्तों फिजिक्स का हम लोग एक और टॉपिक देख रहे हैं, वो है आपका फ्रिक्शन। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। मतलब कि एक ऐसा फोर्स जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होते हैं, उस फ्रिक्शन उस फोर्स को, मतलब वो दोनों के बीच के कॉन्टैक्ट को अपोज करता है, उसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि शांत जब है एकदम, मतलब उस पर कोई भी मोशन का पार्ट नहीं है, तो उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मतलब ये खुद से एडजस्ट हो जाता है। इट्स वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम व्हेन द अप्लाइड फोर्स ऑन इट्स बॉडी इज सच दैट द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड। मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये तो पहले रेस्ट के पोजिशन में होता है, उसके बाद इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। बोलेगा व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन विच एक्ट व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द सर्फेस ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। मतलब कि जब मोशन में जब कोई बॉडी रहता है तो जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव स्पीड बिटवीन द बॉडीज प्रोवाइडेड द स्पीड इज स्मॉल। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है आपका जो रिलेटिव स्पीड होता है, दोनों के बीच का जो स्पीड होता है उससे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेस। मतलब कि दो सर्फेस के बीच के जिस तरह का कॉन्टैक्ट होता है उस पर फ्रिक्शन बहुत डिपेंड करता है। ड्यू टू रफनेस द फ्रिक्शन इंक्रीजेस, खुदरापन से क्या होता है, आपका फ्रिक्शन जो होता है वो इंक्रीज होता है। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं रोटी व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, दिस काइंड ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सर्फेस ऑफ अदर बॉडी। एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करता है तो उस समय जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है काइनेटिक फ्रिक्शन से भी कम होती है। उसके बाद है सेंट्रिपिटल फोर्स, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करती है तो उसका जो वेलोसिटी है कंटिन्यूअसली चेंज करता है। नेचुरली एन एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। एक बाहरी फोर्स है जो कि हमेशा ही उसके सेंटर की तरफ एक्ट करता है। द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। जब आप साइकिल चलाते हो तो एक सर्कुलर मोशन मेंटेन करते हो, तो उस मेंटेनेंस के लिए एक फोर्स जिम्मेदार है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रिपिटल फोर्स। इफ अ बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी, देन द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्सेस, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, उस फोर्स का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स का। इफ अ स्टोन अटैच टू अ स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन अ सर्कुलर पाथ द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। मतलब क्या है कि एक आप स्ट्रिंग को ऐसे लगा लिए, उसमें एक सॉरी ये आपका एक तरह से मान लीजिए स्टोन है, ये स्ट्रिंग है, और यहाँ से आप पकड़ के इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, तो ये जो घूम रहा है ये घूमने के लिए एक फोर्स जिम्मेदार है, उस फोर्स का नाम है आपका सेंट्रिपिटल फोर्स। हम लोग आगे देख लेते हैं, फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ये जो प्लैनेट्स जो आपके सन के अराउंड जो ऑर्बिट करते हैं उसका भी एक जिम्मेदार फोर्स है, उसका नाम है सेंट्रिपिटल फोर्स। एंड ये सेंट्रिपिटल फोर्स देता कौन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन ऑफ द सन, मतलब कि सन के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण इसको सेंट्रिपिटल फोर्स मिलता है। आगे देख लेते हैं, फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड अगर मोशन कर रहा है तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिल रहा है, तो वो मिल रहा है आपको ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटोन।
प्रोटॉन के द्वारा एक अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो उसके माध्यम से ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते रहता है। अ साइक्लिस्ट नेगोशिएटिंग अ कर्व पाथ बेंड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ सो दैट द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द साइक्लिस्ट बाय द ग्राउंड शुड सप्लाई द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे क्या होता है कि जब साइक्लिस्ट जब एक कर्व को मतलब कि जब घूमता है तो उसमें क्या होता है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत पड़ता है और वो आपको मिल जाता है। तो इसके कारण आप क्या होते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं, जिसके कारण आपको आप एक सर्किल जब आपको कर्व आता है तो वहाँ पे आप साइकिलिंग कर लेते हैं। ड्यू टू दिस रीजन द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड इज रेज्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। जब कर्व के पास आप देखिएगा ना, तो रोड क्या होता है कि बीच वाला पोर्शन थोड़ा ऊंचा रहता है, ठीक है, और जब नॉर्मल रोड पे देखिएगा तो बीच वाला पोर्शन आपका मतलब कि सॉरी आउटर एज जो होता है वो आपका कर्व्ड रहता है। कहाँ पे, जहाँ पे आपका रोड, सॉरी फिर से बताता हूँ। ड्यू टू दिस रीजन द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड इज रेज्ड, मतलब कि जो बाहरी पोजिशन है कर्व्ड रोड का, जहाँ पे घुमाव है, वो आपका थोड़ा सा ऊपर किया जाता है। दिस इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब हम लोग आगे देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वी हैव टू कंसिडर सम फोर्सेस विच कैन नॉट बी असाइंड टू एनी ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इस फोर्स इन अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब कि जब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं तो वी हैव टू कंसिडर सम फोर्सेस, कुछ फोर्सेस को हम लोगों को मानना पड़ता है, विच कैन नॉट बी असाइंड टू एनी ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग, जो कि उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। दिस फोर्सेस आर कॉल्ड स्यूडो, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स फोर्सेस और इनर्शियल फोर्सेस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सच अ स्यूडो फोर्स, इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट है। अब देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशंस। क्रीम सेपरेटर, सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे अगर पूछेगा तो कौन सा डिवाइस है जो वर्क करता है, तो क्रीम सेपरेटर एंड सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर, ये बहुत बार ये वाला जो है क्वेश्चन में आ चुका है, आप इसको ध्यान देंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड एज द रिएक्शन टू सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस ऑन द डिफरेंट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, बस ये जान लीजिए कि जो फोर्स लगता है घूमने के समय उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और जो फोर्स अंदर से बाहर की तरफ लगाता है ताकि आप घूम सको उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसके बाद अगला जो है मोमेंट ऑफ फोर्स, हम लोग अगले दिन देखेंगे। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।